हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें लिखा है गिवन दैट एफवीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, सो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इसका मतलब ये है, आपको दो कोई नंबर दिए हैं, एक है 306, सेकंड है 657। इनका आपको एचसीएफ गिवन है, इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। आपको लिखना है सॉल्यूशन, गिवन है आपको, क्या गिवन है, HCF of 306, 657 equal to 9। फाइंड करना हमें LCM of 306, 657 ये हमें निकालना है। सो एज यू नो, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ गिवन नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिखेंगे। एचसीएफ आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो नंबर आपको गिवन है 306 इंटू 657। यहाँ आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम हो इसलिए आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे लिखा है सेम टू सेम नीचे लिखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस 9 से इस नंबर को हम कैंसिल करेंगे, देखते हैं कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। 3 प्लस 0 प्लस 6, इनका सम 9 है तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये है 6, 11, 18 ये भी हो जाएगा। कोई भी एक नंबर 9 से कैंसिल करते हैं, 9 वन टाइम इसको कर दें, 9 3 टाइम 27, 3 यहाँ पर रहेगा 36 हो जाएगा, तो 9 4 टाइम 36। नाउ एल सी एम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 2 3 3 8। इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।